ये मैल कुचैल इसने सारी साफ कर दी। $2 डालेंगे, चेक फ्री होती है, लेकिन उसके लिए क्या है, $2 डालेंगे, 3 मिनट के लिए वैक्यूम, 7 सेकंड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, दिस इज मी नुमान चौधरी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं कार वॉश करने के लिए जा रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं कि यहाँ पर कार वॉश किस तरह से होता है, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट लेस होते हैं, गाड़ी जाती है और वो जनाब निकलती है, लेकिन यहाँ पे वो काफी महंगे हैं। उसके अलावा भी कुछ इकोनॉमिकल कार वॉश भी होते हैं, उसमें आपने खुद अपनी गाड़ी वॉश करनी होती है, कैसे होती है मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। उसके लिए ना सबसे पहले आपको एक चीज चाहिए होती है, कॉइन्स, काफी सारे कॉइन्स है, पता नहीं लगता है इशारे पे खड़ा होता हूँ मैं। ये जो ग्रोसरी में बचते हैं ना छोटे मोटे, ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं, 8 कॉइन्स हैं, वैसे मेरे ख्याल से 4 कॉइन लगेंगे, यानी कि $4 लगेंगे मेरे ख्याल से ना, मेरे हाथ में इस वक्त पाकिस्तानी करीब करीब 1500 रुपए हैं। ये एक तो कनाडा के अंदर ना कोई आउटडोर काम करने से पहले आपको अपनी पैकिंग करना पड़ती है, अब जैसे कैप और ये वाटरप्रूफ जो है ना लेदर के ग्लव्स, ये होंगे तो आपका काम होगा, वरना नहीं। मैंने लास्ट ईयर ना सर्दी में बाहर जो है ना मेरे गलती हुई, मैंने गाड़ी वॉश करना शुरू कर दी, यकीन माने कि वो जो कपड़ा है ना वो भी जमना शुरू हो गया और मैं भागा, मेरे हाथों में तो लग रहा था कि खून की गर्दिश रुक गई, इतनी ठंड सी, मैंने तोबा की। अमूमन तो यहाँ पर ऐसा बैक होम के मुकाबले में गाड़ी गंदी तो नहीं होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जब बर्फ पड़ती है ना तो उसमें वो डाल देते हैं नमक, ठीक है, ताकि गाड़ियाँ फिसले ना, तो वो समटाइम्स ऐसा होता है कि नमक जो है ना वो लग जाता है गाड़ी को, उसके लिए बेहतर यही होता है कि आप गाड़ी बेशक इतनी ज़्यादा, यहाँ से काफ़ी गंदी है, इतनी ज़्यादा गंदी ना भी हो ना, आप उस नमक को उतारने के लिए ज़रूर जो है ना वो इसको धोएं, वरना जो है ना ऐसे ठंडे ममालिक में यहाँ पर स्नो पड़ती है और अगर आपकी गाड़ी में चलती है स्नो में तो ऑब्वियसली उसमें नमक डाला होगा उन्होंने ताकि गाड़ियाँ फिसले ना, लेकिन वो नमक आपकी गाड़ी को ख़राब कर सकता है। अच्छा जी, ये देखें हम पहुंच आए हैं, 24 आवर्स कार वॉश, रेनबो कार वॉश है, और ये सामने जो छोटी छोटी मशीनें लगी हैं ये वैक्यूम है गाड़ी के अंदर से वैक्यूम करने के लिए, और यहाँ पर आप हवा भी भर सकते हैं, एक मशीन हवा भरने की है और एक वैक्यूम की है। ये जैसे आप सामने देख रहे हैं, आप यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर जाने वाला हूँ, देयर यू गो बॉस। और यहाँ पर इसकी अब होगी धुलाई, धुलाई ये गाड़ी लग गई पार्किंग में। अच्छा जी, ये मशीन है, ठीक है, ये सामने देखें, इसने कहा जी $2 लेती है, $1 के कॉइन और 25 सेंट्स के कॉइन, लेकिन हमें क्या करना है, $4 टोटल डिपॉजिट करने हैं। ये कॉइन मैं इसमें ऐड करूंगा, लेकिन मैं अपना कैमरा पहले सेट करूंगा क्योंकि टाइमर शुरू हो जाता है। इस वॉश के साथ मुझे नहीं लगता आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है डिटर्जेंट की, ये जरा देखिएगा, ये मैल कुचैल इसने सारी साफ कर दी। 1 मिनट 18 सेकंड्स रह गए हैं, तो मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ ताकि हम अपना टाइम यूटिलाइज कर सकें। टाइम थोड़ा सा मैं बढ़ा भी सकता हूँ, मैं इसमें $1 का कॉइन डाल देता हूँ, टाइम बढ़ जाएगा। मैंने $1 का कॉइन डाला है तो हमें टाइम थोड़ा सा मिल गया, आधा मिनट और मिल गया। नहीं जी, 7 सेकंड। देयर यू गो, हमारा काम तमाम हुआ, वॉश हो गई गाड़ी। आप यहाँ पे डिटर्जेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे आज उसकी जरूरत नहीं थी। और जी, लगभग 2 से 2.5 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी वॉश हो चुकी है, ठीक है, खुद ही वॉश की है, पानी भी काफी गर्म था और अपना भी थोड़ा सा वॉश हो गया, लेकिन ऐसा चाप के ऊपर उस तरह से पानी नहीं पड़ता, वो मेरा इसलिए मेरे पे पड़ा कि मैं थोड़ी ब्लॉक कर रहा था साथ में, इसलिए तो गाड़ी वॉश हो गई है, वो सब कुछ साफ हो गया इसका, तो अब वैक्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने इसलिए इसको वॉश किया, डिटर्जेंट की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बड़े प्यार से रखा हुआ है, और इस गाड़ी को मेरी अम्मी जो है ना वो कहती है प्रीतो, तो प्रीतो को मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ और मैं नहीं चाहता इसको जंग लगे। अब हम जरा इसको बाहर निकालते हैं। आ गई जी, आ गई लाडी साड़ी, आ गई।
देखो ये देखें जी, अब देखें पहले गाड़ी की सिचुएशन क्या थी और अब वॉश के बाद देखें किस तरह से निकल आई। कहते हैं चार पैसे तो लग गए हैं लेकिन चीज सोनी निकल आई है। तो ये लगभग मैंने जो है $5 डाले हैं, तो आप इस तरह से कह सकते हैं 160 × 5, तो उसको पाकिस्तानी करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतने मेरे 100 रुपीज लग गए हैं और विदाउट डिटर्जेंट ही हमारी गाड़ी देखें चकाचौंध हो गई। जैसे मैं घर से पैसे लेके आया था, लेकिन अगर आपके पास पैसे जो हैं वो कॉइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आप नोट भी डाल सकते हैं, बिल्स डालें $5, $10 या $20, यहाँ से आपको कॉइन भी मिल जाएंगे, ये भी फैसिलिटी है। साथ साथ यहाँ पर मैंने जैसे आपको दिखाया था हवा भरना, वो भी खुद ही भरते हैं आप मशीन के अंदर। क्या करेंगे, $2 डालेंगे, चेक फ्री होती है, लेकिन उसके लिए क्या है $2 डालेंगे, 3 मिनट के लिए वैक्यूम, और फ्रेगरेंस भी है देखें गाड़ी के अंदर, वो 40 सेकेंड के लिए आपकी गाड़ी के अंदर ये वाली फ्रेगरेंस आएगी। और यहाँ से इसको आप स्विच भी कर सकते हैं, जैसे देखें ऊपर करेंगे वैक्यूम आ जाएगा, नीचे करेंगे फ्रेगरेंस आ जाएगी, तो आप गाड़ी के अंदर खुशबू भी पैदा कर सकते हैं, खुशबू भी जहाँ यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप गाड़ी के अंदर खुशबू भी डाल सकते हैं और गाड़ी को साफ भी कर सकते हैं, वैक्यूम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है इसकी फ्रेगरेंस मशीन, ये है वैक्यूम मशीन। ठीक है, इसके अंदर भी $2 डलते हैं, और वो पीछे जो है वहाँ पर वो जो गाड़ी लगी हुई है वहाँ पर हवा वाली मशीन भी, आप टायर का प्रेशर भी चेक कर सकते हैं हवा का, और इसी तरह से $2 का कॉइन डाल के आप वहाँ से हवा भी भर सकते हैं। आपको आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आज का ये सफ़र अच्छा लगा होगा। मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचें। अपना ख्याल रखिएगा, मेरा आपका हम सबका, अल्लाह निगहबान।